दोस्तों ज़रूर से इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे और इंस्टाग्राम यूज़ करते टाइम गलती से जाने अनजाने में फॉलोइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो जाता है, फिर बाद में आप भूल जाते हैं किसके पास आपने फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड किया है। आज इस पर बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हैं इंस्टाग्राम में किन किन लोगों के पास आपने फॉलोइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है और वो आपके फॉलोइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ ज़रूर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी हो सके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सबसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट पर। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए इंस्टाग्राम ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिख कर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों आज इस पर बताऊंगा इंस्टाग्राम में फॉलोइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट किन किन लोगों को आपने सेंड किया है और वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं कैसे आप पता कर सकते हो। और ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है, ज़रूर से मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना, फेसबुक में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करना है और यहाँ पर मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर गलती से किसी के पास फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड करती हो। जैसे यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है और ये प्राइवेट अकाउंट है, यहाँ पर देखिए अकाउंट प्राइवेट है, जो आप किसी प्राइवेट अकाउंट में फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड करते हो ऐसे में ये रिक्वेस्टेड रहता है, जब वो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कैसे आप पता करेंगे इंस्टाग्राम में किन किन लोगों के पास आपने फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड किया है और वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया है। अगर आप इंस्टाग्राम में या प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से ये थ्री लाइन पे क्लिक करती हो सेटिंग में आओगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप ये पता कर सको। अगर आप यहाँ से ये योर एक्टिविटी ऑप्शन में भी आओगे, यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप पता कर सको किन किन लोगों के पास आपने फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड किया है और वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए या फिर नहीं किए। तो यहाँ पर करना क्या है, फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए, ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्राउज़र में लॉगिन करना, जो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है। देखिए इंस्टाग्राम ऐप में और ब्राउज़र में बहुत फ़र्क है, जो सेटिंग्स ऑप्शंस भी हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ब्राउज़र में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल ऑप्शन में आइए और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करके प्रोफाइल ऑप्शन में आओगे ऊपर देखिए सेटिंग ऑप्शन है और ये सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्टिव स्टेटस, स्टोरी शेयरिंग, फोटोज ऑफ यू, प्रूफ फैक्टर, डेटा डाउनलोड, फलकाना ढिमकाना, बहुत सारे सेटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, ये सर्च बार में यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ से ये यूआरएल आपको एडिट करना है, ये एडिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कट कीजिए, अकाउंट ऑप्शन तक आपको रखना है, ठीक है, यहाँ से इसे कट कीजिए और ये अकाउंट और ये स्लैश ये रहना होगा, ठीक है, और यहाँ पर एडिट कीजिए एक्सेस, ठीक है, यहाँ से एक्सेस फिर अंडर स्क्रोल टूल, ठीक है, आपको यहाँ से एक्सेस और ये अंडर स्क्रोल टूल लिखना है TOOL और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकती हो। तो ये बस आपको लिंक एडिट करना है instagram.com/account/access_tool और यहाँ पर देखिए अकाउंट इन्फो और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी ये लिंक सर्च कर सकती हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, सो यहाँ पर नीचे आइए कनेक्शन ऑप्शन में आना है और यहाँ पर देखिए करंट फॉलो रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए कनेक्शन ऑप्शन में व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए करंट फॉलो रिक्वेस्ट, यहाँ पर देख सकते हो ये दो रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया जो अभी तक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इंस्टाग्राम ऐप ओपन कीजिए, सर्च ऑप्शन में आइए
और यहाँ से जो आपने कॉपी किया यहाँ पर सर्च कीजिए, और ये देखिए जो मैंने रिक्वेस्ट किया, देखिए देख सकते हो यहाँ पर यह रिक्वेस्टेड यहाँ है, और अगर आप चाहो यहाँ से फिर कैंसिल कर सकती हो। इस तरीके से बड़ी आसानी में इंस्टाग्राम से ये पता कर सकती हो किन किन लोगों के पास आपने फॉलोइंग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है और वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए हैं या फिर नहीं किए। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट यूआरएल लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।